नमस्कार, मैं गौरी और आप सभी का स्वागत करती हूं। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आखिरकार अपने लिए सियासी मैदान चुन लिया है। इंडिया गठबंधन को देश में सरकार बनाने का मौका भले ही ना मिल सका हो, लेकिन वो एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में जरूर उभर कर सामने आई है। यूपी में जिन मुद्दों पर सपा को सीटें मिली हैं, उन्हें सूबे के विधानसभा से नहीं बल्कि लोकसभा सदन से सियासी धार दिया जा सकता है। इसलिए करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा देकर अखिलेश यादव ने कन्नौज से लोकसभा सांसद रहने का फैसला किया है। अखिलेश यादव के इस कदम से माना जा रहा है कि वो अब लखनऊ के बजाय दिल्ली में डेरा जमाकर सियासत करेंगे। सपा प्रमुख भले ही दिल्ली में मोदी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करें, लेकिन उनकी नजर उत्तर प्रदेश के सीएम की कुर्सी पर है। देखिए पूरी रिपोर्ट। अखिलेश दिल्ली से यूपी में होने वाले 2027 विधानसभा चुनाव के सियासी समीकरण साधने की कवायद करते नजर आ रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में मिले अच्छे रिस्पांस के बाद अब अखिलेश यादव की नजरें 2027 के विधानसभा चुनाव पर हैं। अखिलेश के इस दाव को सपा कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास बढ़ाने के साथ समाजवादी पार्टी के भविष्य के सियासत के तौर पर भी देखा जा रहा है। बता दें 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव सपा को भले ही बहुमत ना मिल सका हो, लेकिन नतीजे आने के बाद अखिलेश यादव ने आजमगढ़ लोकसभा सीट से अपनी सदस्यता छोड़ दी थी। यूपी विधानसभा में विपक्ष के नेता का पद संभालकर अखिलेश ने योगी सरकार की जवाबदेही तय करने का जिम्मा उठाया था। दिल्ली छोड़कर लखनऊ में डेरा जमाने के पीछे यूपी में संगठन को मजबूत करने और अपने सियासी आधार को जोड़कर रखने की थी, साथ ही भाजपा के खिलाफ सियासी माहौल बनाने की थी। और इसी का नतीजा है कि 2024 के चुनाव में सपा को रिकॉर्ड मत हासिल हुए हैं और अब आगे की सियासी मंजिल को हासिल करने के लिए दिल्ली वापस लौटने का फैसला किया है। लोकसभा चुनाव में सपा को जिस फॉर्मूले और एजेंडे पर जीत मिली है, उसे यूपी की विधानसभा से नहीं बल्कि लोकसभा के सदन से धार देने की है। जाहिर है अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। लोकसभा चुनाव में यूपी में सपा ने अकेले दम पर 37 सीटें हासिल की हैं। ऐसे में सपा के देश में तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी बनने के बाद अखिलेश यादव का सपना पार्टी को राष्ट्रीय फलक तक पहुंचाने का है, जिसे लखनऊ से नहीं बल्कि दिल्ली से ही पूरा किया जा सकता है। इस तरह अखिलेश यादव यूपी के साथ साथ देश के मुद्दों को भी सियासी धार देते हुए नजर आएंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप सी न्यूज़ भारत।